अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। बिजनेस लगाओ, पैसा कमाओ, गुरबत भगाओ और पाकिस्तान को बचाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, तब्दीली जो होती है वो पहले खुद बंदा तब्दील होता है, फिर ही बंदा अपने आसपास को और अपने इलाकों को तब्दील कर सकता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। तो पहले जो अपनी जो खुदी है उसको तब्दील करना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच लेके आनी पड़ेगी, एक एनर्जी पैदा करनी पड़ेगी, हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। अगर आपसे पक्का इरादा करें, अपने आप से एक अहद करें, एक वादा करें कि आप जो भी काम करेंगे वो दिल में जान से करेंगे और उसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। आपने एक लाइफ का मिशन बनाना है, उस मिशन पे फोकस करके आपने वो मिशन अचीव करना है। जिस काम पे आप फोकस करोगे, आप संजीदा रहोगे, वो काम आप ज़रूर करोगे और करके ही रहोगे। करने के लिए हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। होता क्या है कि जो हमारे नौजवान हैं, कुछ दिन वो काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं हम तो कामयाब नहीं हुए, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कामयाबी ऐसे नहीं आती। आपने हफ्ता, महीना या 5 महीने आपने काम किया, वो काम पर आपने छोड़ दिया, तो उस काम में आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आपने यूट्यूब का चैनल भी खोला हुआ है, अगर वो चला रहे हैं या आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअली करते रहें, उसको परसिस्टेंटली करते रहें, संजीदगी से करते रहें और उस काम को करते वक्त आप इंजॉय करें, हैप्पी महसूस करें, तभी वो आपका काम सक्सेसफुल हो सकता है। कस्टमर आते हैं, उसको आप सही तरह से डील नहीं करते, पैदा करें, पक्का इरादा पैदा करें, जोश, जज्बा, जुनून पैदा करें ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए। ये मोटिवेशन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। या तो बंदे को मोटिवेशन है वो बंदे को आसमान पर उठा कर ले जाती है, या जो बंदे की मजबूरियाँ होती हैं वो बंदे को आसमान पर ले जाती है। आसमान में ले जाने का मतलब है कि वो आपको कामयाब करती है, आपको फर्स्ट से वो अर्श तक ले जाती है। आप अपने आप से एक वादा करें कि आप आज ही काम शुरू करोगे, अपना एक गोल बनाओगे ज़िंदगी का, कुछ महीनों का एक छोटा सा गोल बनाएं, उसको अचीव करें, फिर एक और बनाएं। इस तरह आप छोटे छोटे गोल बनाते हुए, उसको अचीव करते हुए आप अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ते जाएं। अपना जो मेन मकसद है उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। आपका अगर लाइफ का कोई गोल नहीं होगा, आपकी कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। डायरेक्शन, प्लानिंग, गोल, मकसद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर फोकस के साथ बता उसी रास्ते पे चलता रहे, एक कंटिन्यूसली चलता रहे, तो कामयाबी एक दिन आपके कदम ज़रूर चुनेगी। तो हिम्मत करें, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो शुरू करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, हज़ारों की तादाद में वेबसाइट से वहाँ जाएँ, मेहनत करें। मेहनत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये समझ रहे हैं कि आप घर बैठे कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती कि आपको घर बैठे पैसे पहुंचा दें। मेहनत के बिना आपको पैसा कभी नहीं मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप फीमेल हैं, अगर आप नौजवान हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं लाइफ पे, अगर आप घर वैसे ही पार्क बैठे हुए हैं तो उठें, कुछ करें ज़िंदगी में। किसी के ऊपर बोझ बनने से बेहतर है कि बंदा कोई अपना छोटा मोटा ही काम कर ले। 500-1000 रुपये भी अगर डेली बचा कर ले आता है तो वो जो खुशी होती है, जो अपना बंदा काम करके पैसे कमाता है, तो वो खुशी किसी और से पैसे लेते हुए वक्त नहीं होती। जो बंदा खुद मेहनत करके पैसे कमाता है, उसकी खुशी, उसका मज़ा, उसकी फीलिंग कुछ और ही होती है। उठें, पैसा कमाएं, अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन दें, अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं, अपनी ज़िंदगी में सीरियस होकर काम करें। जो भी आप करते हैं तो आप सब कुछ कर जाएंगे। तो आखिर मैं यही कहूँगा, हम ये छोटी मोटी बिजनेस आइडिया से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर अगर करना चाह रहे हैं शेयर भी कर दें, लाइक और कमेंट कर दें, तो आपकी नवाजिश, आपका शुक्रिया होगा। जहाँ पर भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अपने घर वालों का, आस पास का ख्याल रखें और पैसा कमाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।